My definition is subfield. Let F be a subfield, a known FT subset K. F एक subfield है, F एक field है, और इसका known empty subset है K. Of the set F, F का known empty set क्या हो गया हमारा K. Is said to be the subfield. इसे हम subfield बोलेंगे of F. F का कब? If K is closed with respect to the operation of addition and multiplication in F. यदि K addition और multiplication के respect में ये operation satisfy कर जाए. And K itself is a field. और K खुद भी एक field हो. अब हम normal language में इस definition को देखें तो इसमें ये बोला गया है, हमने एक field लिया, field का कोई एक set लिया, उसका एक subset लिया. अब उसका जैसे हम subset लेंगे तो subset में हम जो हमारी field की जो property होती है वो सारी property हम with respect to addition, multiplication satisfy करवाएंगे. यदि वो सारी प्रॉपर्टी उस सबसेट के लिए सेटिस्फाइड हो जाती हैं किसकी, फील्ड की, तो वो जो सबसेट होगा उसे हम कहेंगे सब फील्ड, क्योंकि वो सबसेट किसका सेट है, एफ का. यदि वो पूरा एफ फील्ड है तो उसका जो सबसेट छोटा वो भी फील्ड है, वो फील्ड की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो उसे हम फील्ड कहेंगे. ये सिंपल लैंग्वेज में यहाँ यही बोला गया है. अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी देख लेते हैं छोटी सी, या बेसिकली स्टेटमेंट पे हम डिस्कस करेंगे. द नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट के, जो हमारा सब फील्ड है या सबसेट है के, अ फील्ड ऑफ एफ टू बी द सब फील्ड. ये सब फील्ड होंगे, कब कब सब फील्ड हो सकते हैं, या तो हमारी ये हमारी फील्ड की ये प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई कर जाएँ. एक अदर तरीका हम इसे शॉर्ट में कब कहेंगे सब फील्ड हो, यदि हमने एक एलिमेंट लिया के ए के का, यानी कि सब फील्ड का दूसरा एलिमेंट भी किसका, सब फील्ड का, तो ए माइनस बी, यानी कि अब हमारा जो ए और बी है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, हमारा ये फील्ड की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ये एबिलियन ग्रुप भी होगा, तो एबिलियन ग्रुप होगा तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा. तो यदि बी हमारा सब फील्ड को सेटिस्फाई करवा रहा है तो बी का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा माइनस बी, वो भी हमारे सेट में होगा. तो हम विद रेस्पेक्ट टू क्लोजर करेंगे ए प्लस माइनस बी, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी से ए माइनस बी में हमारा किससे बिलोंग कर जाएगा, के को. ये हमने इसका सॉल्यूशन देख लिया शॉर्ट में. हम यदि इसी तरीके से हमारी सब फील्ड सब ग्रुप सभी की डेफिनेशन में यही होता है. अब इसमें थोड़ा सा चेंज, सबसे अलग यही है, यदि हम सब रिंग की बात करते हैं तो उसमें आप दो एलिमेंट लेते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन दिखा देते हैं, यूनियन वाला होता है. इसमें क्या है, इसमें इन्वर्स लेंगे. ए यदि बिलोंग कर रहा है के को, जीरो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यदि बी इक्वल बी जीरो के इक्वल नहीं है तो ये क्या बताता है हमें, यदि कोई भी एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है और वो यदि विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है तो उसका कहीं ना कहीं हमारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा. बी नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब हमारा बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ए बी इन्वर्स भी बिलोंग कर जाएगा के को. ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन है. मेन प्रॉपर्टी हमारी यही है कि ए यदि के को बिलोंग कर रहा है, बी भी के को बिलोंग करता है, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी से ए माइनस बी बिलोंग कर जाएगा के को. एक हमारी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन से ए बिलोंग कर रहा है के को और बी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो हमारा बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो के ए बी का इन्वर्स, ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, बी इन्वर्स भी एलिमेंट है यदि के का, तो हम ए को लेंगे और बी इन्वर्स को लेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू क्लोजर दिखा देंगे, तो ए बी इन्वर्स भी बिलोंग कर जाएगा के को. तो ये दोनों कंडीशन भी यदि होल्ड कर देते हैं हम दो किसी एलिमेंट के सब फील्ड के एलिमेंट से, तो ये हम इसे कहेंगे जो हमारा कंप्लीट सेट है वो होगा एक सब फील्ड. इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो या क्वारी हो या स्पेशली आपको किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए हो, तो आप मतलब थ्योरम का प्रूफ चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा.